125 करे थे। 125 और तुमने? 148। कितने? 135। आज पहले शिफ्ट का पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट चुका है, तो पूछ लेते हैं किस तरीके का लेवल आया है। हालांकि पेपर ऑफलाइन है तो सभी को पता ही होगा कि कैसा है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाएगा। तो कैसा पेपर था भाई आज का? सर पेपर ठीक था, एंट्री में कोई दिक्कत हो रही थी? एंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, आधार कार्ड तुम्हारी और जो एडमिट कार्ड है वो, दो फोटो वो चाहिए थे बस। सिंपल फोटो की जरूरत पड़ी है? हाँ दो फोटो चाहिए थे। लगवाए फोटो? फोटो है ना। अच्छा फोटो हाँ लगवाए? नहीं लगवाए नहीं, हाथ में रखो बस। अच्छा, के लिए मैंने जैसे बोला था फोटो भी लेके जाना, बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो वो आपके लिए जरूरी है। पेपर का लेवल कैसा रहा है? सर इजी टू मॉडरेट बोलेंगे पेपर को। अच्छा तो सबसे ज्यादा टफ कौन सा लगा सेक्शन तुम्हें? टफ तो नहीं था सर, पर रीजनिंग में जो थोड़ा ना जो लैंग्वेज वाले सवाल थे वो थे बस, और कुछ नहीं है उसमें। और मैथ कैसा? वो ज्यादा नहीं, नहीं 15 सवाल थे उसमें से एक सवाल था एसीआई का, वो थोड़ा हार्ड सा था बस, बाकी सब इजी थे। हाँ बस सब इजी थे। तो कितने क्वेश्चन करे? मैंने 135। 135 कितने सही होंगे अप्रोक्स? अप्रोक्स 120। 120 मतलब 15 तुक्के मारे? 15 तुक्के मारे। तो तैयारी कहाँ से करी थी? RWS से। अच्छा तो कितने महीने तैयारी करी है? लगभग 2 साल हो गई। 2 साल, चलो तो बढ़िया हो गया पेपर ओवरऑल। बढ़िया हो गया सर, बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई कैसा पेपर हो गया? भाई बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। अच्छा ज्यादा हार्ड भी नहीं आया पेपर। हाँ नॉर्मली सही हुआ है, जितना सोच रहे हो उससे बेटर है। अच्छा कितने क्वेश्चन करे तुमने? मैंने भाई 150 में से 125 करके आया हूँ। तो तुक्के कितने मारे? तुक्के लास्ट 5-7 तुक्के लगा के आया। अच्छा बाकी के लगभग 110 के आसपास सही करे? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो कितनी लग रही है कट ऑफ, कितनी जाएगी? कट ऑफ तो भाई मेरे हिसाब से तो 215-210 के हिसाब से लग रही है। तो तुम्हारे लगभग इतने ही नंबर बन रहे हैं? हाँ तो हो जाएगा, देखते हैं ऊपर वाले के हाथ में। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई ये पेपर देखे हैं, आज पहली शिफ्ट का पेपर हुआ यूपी पुलिस का, एक बार पूछ लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका। तो कैसा पेपर था भाई? बहुत बढ़िया भैया, और हिंदी सबसे बढ़िया आई। अच्छा हिंदी कहाँ से पढ़ी थी तुमने? हाँ RWS से। अच्छा और तुमने? RWS से। तुमने? RWS। सब RWS से पढ़े। तो मतलब पेपर ओवरऑल कितने क्वेश्चन करे तुमने? 125 करे थे। 125 और तुमने? 148। कितने? 135। 148। अरे बहुत बढ़िया। तो 148 तुक्के ज्यादा मारे या सही सही करे? नहीं तुक्के तो नहीं मारे, जीएस में बस 5-6 क्वेश्चन जो मतलब 50-50 हुआ था, तो उसने मैं थोड़ा सा, मतलब लगभग तुम्हें 140 क्वेश्चन आ रहे थे एक बार। हाँ बाकी के 6-7 जो लगे के 50-50 वाले, तो कितने लग रहे हैं कि लगभग 130 के आसपास सही होंगे? ज्यादा ही होंगे। ज्यादा ही होंगे तो सिलेक्शन पक्का फिर तो है। चलो बहुत बढ़िया। और तुम बताओ मतलब एंट्री किस टाइप से हुई थी? कुछ कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई किसी को? नहीं 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 सिंपल हो रही थी। मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे? आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो। अच्छा फोटो मांग रहे हैं? फोटो बस देखने के लिए, कुछ नहीं। अच्छा खाली मांग रहे हैं, कहीं लगवाया नहीं है? नहीं। अच्छा तो मैथमेटिक्स कैसी आई है? ठीक आई है, सिंपल आई है। अच्छा पेपर मतलब लेवल कैसा ओवरऑल? इजी टू मॉडरेट था। अच्छा ज्यादा क्या पढ़ने की जरूरत है? वैसे जीके में क्या पूछा सबसे ज्यादा? 5-6 क्वेश्चन करंट थे, बाकी सब यूपी जीके की थी। यूपी की जीके थी? यूपी। तो पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह जियोग्राफी नहीं पूछा? जीएसटी के ऊपर बस, जीएसटी का एक ही क्वेश्चन था, बाकी का पूरी यूपी की और करंट अफेयर्स। तो मतलब करंट अफेयर्स और यूपी की जीके पढ़ने की जरूरत है। चलो बढ़िया। और रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग ठीक थी, रीजनिंग में जो पुलिस वगैरह के क्वेश्चन पूछते हैं, पुलिस के अधिकारी वगैरह बना के, उस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा मतलब नॉर्मल टाइप की इक्वेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। तो सबसे हार्ड सेक्शन कौन सा लगा तुम्हें? वैसे मैं तो कोई ना लगा, कोई नहीं लगा, सब इजी लगे। जब 148 करें तो वर्तमान सब इजी ही है। चलो भाई बहुत बढ़िया। कहाँ से आए तुम? मथुरा। अच्छा चलो ठीक है।